Exercise 12.1 question number 4. Exercise 12.1 question number 4. एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरा है 18 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा ये जो है इसको ए मान लेंगे, ये बी हो गया और ये हो गया सी। इसमें जो है भुजा ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ये जो एसी भुजा है सी ये दिया हुआ नहीं है, इसका परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? परिमाप 42 है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो चूंकि परिमाप बराबर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, परिमाप तब आएगा जब तीनों भुजाओं को जोड़ा जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। यहां पे आपका ए का मान 10 हो गया, बी का मान 18 हो गया, प्लस सी बराबर हो गया 42। ये हो गया 18 और 10 हो गया 28, प्लस सी बराबर हो गया 42। यहां से ये जो 28 है ये प्लस में है, यहां पे इसका प्लस साइन छुपा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात सी बराबर हो गया 42 माइनस 28 हो गया। यहां से जो है तीसरा भुजा इसका आ गया सी, 42 में 28 घटाइएगा कितना हो जाएगा 12 में 8 गया 4, अरे इधर से एक लिया 12 हुआ, 12 में 8 गया तो कितना हो गया 4 और इधर 3 में 2 गया तो हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। ये थर्ड साइड हो गया इसका, तीसरा भुजा निकाल। अब जो है तो तीसरा भुजा इसका निकल चुका है, अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस सर, ये हमारा हो गया, अर्थात S बराबर ए का हो गया 10, बी का हो गया 18 और सी हमने निकाल लिया 14, तो हो गया 10 प्लस 18 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस सर, ये हमारा आ गया एस बराबर, इसको जोड़िएगा तो 42 होगा, 42 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस सर, इसको काट देंगे, 2 एका 2, 2 दुना 4, 2 एका 2, ये हमारा अर्ध परिमाप S बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया। यस सर, अब हमको इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। फिर से एक बार देखिए, तीन भुजाओं में से इसका तीसरा भुजा दिया हुआ नहीं था, दो भुजाएं दी हुई थी, एक है 10 सेंटीमीटर दूसरा है 18 सेंटीमीटर, परिमाप दिया हुआ है 42, परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। एक हो गया 10, दूसरा हो गया 18, तीसरा भुजा सी नहीं पता, बराबर हो गया 42, 18 और 10 को जोड़ दिया हो गया 28, प्लस 28 उधर जाके हो गया माइनस, 42 में 28 लेस कर दिए हो गया 14, ये थर्ड साइड इसका आ गया 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2,
ए का 10 है, बी का 18, सी हमने निकाला है 14, बटा हो गया 2। इसको जोड़िएगा तो ये होगा 42 डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे 21 सेंटीमीटर आ गया। ये जो है हमारा, ये हमारा अर्ध परिमाप आ चुका है ना? यस सर। क्या आ चुका है? अर्ध परिमाप आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर रूट हो गया। Yes, ये गिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट पेज, यहां से हम नेक्स्ट पेज ले लेंगे, है ना? दूसरे पेज में यहाँ पे हमारा आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस माइनस सी ये हो गया ओवर रूट हो गया। यस सर। एस हमने निकाला कितना? 21, यही ना आया है? यस सर। एस का मान 21, एस माइनस ए 21 माइनस ए का मान 10 हो गया, एस माइनस बी 21 माइनस बी हो गया 18, एस माइनस सी 21 माइनस हो गया 14 हो गया। yes, इस पर लगा देंगे ओवर रूट हो गया। yes, इसके बाद ये हो गया 21, 21 में 10 लेस कर देंगे 11, 21 में 18 लेस करेंगे 3, 21 में 14 लेस करेंगे 7। इसके बाद ये 21 को तोड़ दीजिएगा तो 7 3 21 होता है, 7 3 21 7 इंटू 3 हो गया 21 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? डेकोरेट करेंगे, थोड़ा जो है इसको सजा देंगे, एक टाइप का नंबर को एक जगह लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू हो गया 11 हो गया। यस सर। जोड़ा मिलेगा, निकाल देंगे, एक एक निकालेंगे। ये हमारा हो गया 7 इंटू 3 और 11 का जोड़ा नहीं मिला, इसको अंदर ही रहने दीजिए, रूट साइड के अंदर रहेगा। ये हो गया 7 हो गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। हो गया? यस सर। इसी तरह का कोई डाउट नहीं है? नो सर।